हाय एवरीवन, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यूरोसर्जन्स की स्पेसिफिकली सैलरी कितनी होती है, गवर्नमेंट में कितनी होती है, प्राइवेट में कितनी होती है, कैसे न्यूरोसर्जन बनते हैं, कितने वर्किंग आवर होते हैं, क्या वर्कलोड होता है, सबकी ये डिमांड आ रही थी। तो आज मैं आपको वही सब बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो था वो सैलरी के ऊपर था, वो मैंने एम्स में जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइवेट में इतनी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। वो एम्स में कितनी सैलरी होती है इसके ऊपर वीडियो था, प्राइवेट से उसका कोई मतलब नहीं। बट आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि प्राइवेट में अंदाजन कितनी सैलरी न्यूरोसर्जन को मिलती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं, आपका एम न्यूरोसर्जन बनना है, तो आप ये सोच लीजिए, जिस दिन से आपने ये सोचा है कि आपको न्यूरोसर्जन बनना है, उसके अगले 12-15 साल तक आपको डेली 12 से 14 घंटे काम करना होगा, या तो पढ़ाई करनी होगी या काम करना होगा। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको MBBS में एडमिशन लेना होगा, उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, जैसा मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, मिनिमम एक स्टूडेंट को मिनिमम 12 घंटे पर डे पढ़ना ही होता है। उससे कम पढ़ने पर आई डोंट थिंक कि अच्छी रैंक आ सकती है। तो यहाँ आपको एटलीस्ट 12 घंटे पढ़कर MBBS में एडमिशन लेना। बस चीज़ यह है कि सबसे पहले आपको MBBS में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद यार, MBBS करते वक्त जनरली 8 to 5 या 8 to 4, डिपेंड ऑन द कॉलेजेस, क्लासेस होती हैं। तो डेली ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन कॉलेज में ही चले जाना है। उसके बाद आपको डेली ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर सेल्फ स्टडी करनी होती है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में थोरो नॉलेज चाहिए, और साथ में आपको PG एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से MBBS में बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद आप इंटर्नशिप में पहुँचते हैं। इंटर्नशिप में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ शुरू होती हैं। इस टाइम ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन हॉस्पिटल में जाता है। उसके बाद आप जब रूम पर आते हैं तो आपको MCQ सॉल्व करने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं PG एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आपको 12 से 14 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, काम करना है। तो फिर आप PG एग्ज़ाम में एक अच्छी सी रैंक सिक्योर करते हैं। उसके बाद आपको MS इन जनरल सर्जरी में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद MS का फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत हेक्टिक ड्यूटीज़ होती हैं। भागते भागते, काम करते करते पैर में छाले पड़ जाते हैं। ऑन एन एवरेज आप सुबह 6:30-7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचते हो, और रात को 10 से 11 बजे तक आप हॉस्पिटल से वापस आते हो। उसके बाद आप MS थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम पास करते हो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी थोड़ी कम हो जाती हैं, बट फिर पढ़ाई का प्रेशर आने लगता है और आपको पढ़ाई करनी होती है। फिर जब आप MS पास कर लेते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग नीट सुपर स्पेशलिटी। तो वो एग्ज़ाम में आपको अच्छी रैंक लानी होती है ताकि आपको किसी अच्छे कॉलेज में MCH इन न्यूरोसर्जरी में एडमिशन मिल जाए। एम्स, जिपमर और PGI का ये एग्ज़ाम अलग से होता है, तो उनका इंडिविजुअल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है अगर आपको इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए। तो नीट सुपर स्पेशलिटी में एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के बाद आप MCH इन न्यूरोसर्जरी में एडमिशन लेते। फिर जो शुरू होता है वो MS से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको OT, OPD, वार्ड सब कुछ मैनेज करना होता है। आपको ICU में भी ड्यूटी लगती है, आपको पेशेंट ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर भी करने होते हैं, आपको अपने सीनियर्स के साथ ऑपरेशन में भी जाना होता है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। करंटली मैं भी MCH ही कर रहा हूँ, और अभी मेरा थर्ड ईयर है MCH इन न्यूरोसर्जरी में। करंटली आई एम इन एम्स भुवनेश्वर। तो फिर 3 साल की ये ट्रेनिंग होती है MCH इन न्यूरोसर्जरी के बाद। 3 साल के बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको MCH इन न्यूरोसर्जरी की डिग्री मिल जाती है और आप एक सर्टिफाइड न्यूरोसर्जन बन जाते हैं। बट स्टिल, अगर आप इस मूवमेंट पे प्रैक्टिस करने के बारे में सोचते हैं, तो सोसाइटी में पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड न्यूरोसर्जन मौजूद हो, और एवरीवन वांट्स कि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाए, तो फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किसी ट्रेंड न्यूरोसर्जन के अंडर में काम करना होता है, या तो आप कहीं से फेलोशिप करते हैं। इसी तरीके से 2 से 3 साल ही आपका एक्सपीरियंस गेन करने में, थोड़ा एडवांस काम सीखने में निकल जाते हैं। तो रफली आपके MBBS शुरू होने से और आपको फुल फ्लेज न्यूरोसर्जन बनने तक एटलीस्ट 15 साल के आसपास का टाइम लगता है, वो भी तब जब आपका बीच में कोई गैप ना हुआ। और अगर किसी का कोई गैप हो जाता है कहीं पर, तो फिर उसको आप और ऐड कर सकते हैं। ये सारी 15 से 20 साल के बीच की ट्रेनिंग करने के बाद, या तो उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे, या फिर खुद की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो जहाँ तक सैलरी की बात है, तो गवर्नमेंट में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाती है। तो प्राइवेट में अगर ज्वाइन करते हैं किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, तो 3 to 4 लाख के बीच में आई थिंक अभी फ़िलहाल सैलरी मिलती है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस,
प्राइवेट प्रैक्टिस में तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स के किसके पास कितने पेशेंट्स आते हैं, उसी हिसाब से उसकी अर्निंग्स होती हैं। ट्रेनिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या होता है और कितनी सैलरी मिलती है, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। सो 12th के बाद न्यूरो सर्जन बनने तक ये सारी डिग्रियाँ लेनी होती हैं। लाइफ तो हमेशा हेक्टिक ही होती है और हमेशा इन एंड अराउंड हॉस्पिटल ही होती है, बट वन थिंग इज़ दैट के आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है सोसाइटी में, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और आपको खुद को काफ़ी अच्छा लगता है आफ्टर परफॉर्मिंग ब्रेन सर्जरीज और स्पाइनल सर्जरीज। इज़ लाइक वेरी फैसिनेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि न्यूरो सर्जन की लाइफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।